नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू की अभियान योजना ट्रैक्टर हमारा और डीजल तुम्हारा का आज हुआ शुभारंभ। जिले में 153 विधवाओं को सहायता, बच्चू कड़ू द्वारा परियोजना की शुरुआत। छात्रों ने परीक्षा शेड्यूल जारी करने की मांग की, 2 दिन में टाइम टेबल घोषित करने का किया अनुरोध, अभी तक नहीं लिया गया है कोई निर्णय। और जलगांव में केंद्र शासन के विरोध में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से अभिनव आंदोलन किया गया। महिला पदाधिकारियों ने प्रतीकात्मक अंत यात्रा के समीप रोक कर मोदी सरकार का किया निषेध। खबरें विस्तार से। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू की अभियान योजना ट्रैक्टर हमारा और डीजल तुम्हारा का आज शुभारंभ किया गया। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने आज अकोट तालुका के वरुल जौलका से इस परियोजना की शुरुआत की है। जिले में निराश्रित, विधवा और आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों की महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अभिभावक मंत्री बच्चू कड़ू की पहल पर ट्रैक्टर हमारा और डीजल तुम्हारा योजना लागू की जा रही है। ट्रैक्टर हमारा डीजल तुम्हारा योजना के तहत जिले की 191 महिलाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। एक किसान परिवार में पति की मृत्यु के बाद महिलाओं के लिए परिवार का पोषण करने का समय होता है, लेकिन जब जुताई और बारिश शुरू हो जाती है तो उन्हें बुवाई के लिए पैसे कहाँ से लाए, ऐसा सवाल उनके सामने खड़ा हो जाता है। मत है कि आम्ही विधानसभेमध्ये नेहमी हे बोलायचं का पेरणी ते कापणीपर्यंत सगळी कामे एमआरएचएसमधून झाली पाहिजे। अर्थात याचा असा होता का सरकार भाव देऊ शकत नाही, सरकार कुठले असली तरी भाव देऊ शकत नाही, कारण खाणाऱ्याचा विचार सरकार करतं, पेरणाऱ्याचा करत नाही, पिकवणाऱ्याचा करत नाही, करू शकत नाही। तेवढी ताकद आमच्या पिकवणाऱ्याची अजून तयार झाली नाही, कारण आम्ही जाती भेदमध्ये अडकलेलो आहे। आणि म्हणून या राज्याला नाही तर देशाला हा जिल्हा पहिला प्रयोग करेल का 200 महिलांचं पेरणी ते कापणीपर्यंत सगळी कामे एमआरएचएसमध्ये करण्याचा हा पहिला प्रयोग देशामध्ये पहिल्यांदा आपण करतो आहे। त्याची सुरुवात डिझेल तुमचं ट्रॅक्टर आमचा असं जरी असला तर त्याची अंतिमता पेरणी ते कापणीपर्यंत सगळी कामे एमआरएचएसमधून करण्याचा पहिला प्रयोग आपण करू, आणि तो राज्य सरकारला आपण त्याचं सगळा प्रयोगाचं सगळं प्रेझेंटेशन देणार, आणि राज्याला आपण मागणी करणार आहोत, मुख्यमंत्र्यांसमोर आम्ही जाणार आहोत का पेरणी ते कापणीपर्यंत सगळे कामं हे एमआरएचएसचे, निवड सगळ्या शेतकऱ्याचे नाही तर निवड ज्या विधवा भगिनी आहे, आत्महत्याग्रस्त आहे, अपंग महिला आहे, त्यांचं तरी किमान झालं पाहिजे, असा एक क्रांतिकारी निर्णय हा राज्य सरकारला घेण्याचं आम्ही भाग पाडू। रविवार 15 मई को पारशिवनी तालुका के कांद्री आंबेडकर नगर में यशोधरा महिला मंडल द्वारा गौतम बुद्ध प्रतिमा बनाई गई है और बोधिसत्व बौद्ध विहार के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम दौरान गांव में जागरूकता भी फैलाई गई। कांद्री गांव में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यशोधरा महिला मंडल ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा का आयोजन किया और बोधिसत्व बुद्ध विहार का उद्घाटन रात 8 बजे किया। उसके बाद शाम 6 बजे श्री सुनील केदार, पशुपालन, डेयरी, खेल और युवा कल्याण मंत्री महाराष्ट्र राज्य और श्री राजेंद्र मुलक, पूर्व मंत्री और अध्यक्ष नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी और श्रीमती रश्मिताई बर्वे, अध्यक्ष नागपुर जिला की प्रमुख उपस्थिति में विश्व श्रद्धेय भगवान गौतम बुद्ध पूर्णिमा निमित्त और दया, क्षमा, प्रेम और शांति की शिक्षा देने वाले बोधिसत्व बुद्ध विहार का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। तत्पश्चात गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित नागरिकों का मार्गदर्शन किया तथा गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पमाला एवं पुष्प अर्पित कर मठ का उद्घाटन समारोह धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर पार्श्ववाणी पंचायत समिति के अध्यक्षा श्रीमती मीनाताई कवले, श्री नरेश बर्वे, श्री दयाराम भोयर, सरपंच श्री बलवंत पडोले, श्री गणेश पंतवने, उमेश पंतवने, श्री यशोधरा महिला मंडल की श्रीमती श्यामकुमार जी बर्वे एवं अन्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नागपुर में 16 मई को बुद्ध जयंती उत्सव के अवसर पर भव्य धम्म रैली का आयोजन किया गया था। यह भव्य रैली भिक्खु संघ के नेतृत्व में निकाली गई। इसकी शुरुआत भीम चौक, नारा रोड, जरीपटका से होकर दीक्षा भूमि में समापन किया गया। यह रैली भीम चौक, नारा रोड, जरीपटका, इंदौरा चौक, गड्डी गोदाम चौक, संविधान चौक, वेराइटी चौक, लोकमत चौक, रामदास पेट से होकर दीक्षा भूमि पहुंची। इस रैली में विविध मंडल और विहारों की तरफ से रथ निकाले गए। सभी को तो पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बुद्ध जयंती का पर्व पूरा वर्ल्ड मना रहा है और देख रहे हैं आप मेरे पीछे धम्म रैली
जो लाखों की तादाद में निकल के दीक्षा भूमि पे इसका समापन है, तो सभी को मैं अपने वाणी से आपको बुद्ध के मार्ग पर चलने का एक संदेश देना चाहता हूँ। जो जग में लोगों को दिया गया एक तथागत का संदेश है, जो मार्ग है उसी मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कितना सारा जन समुदाय है, और इसके साथ मैं सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम कहता हूँ। ये रैली है उत्तर नागपुर से निकल के, उत्तर नागपुर भीम चौक से निकल के ये रैली दीक्षा भूमि की ओर जा रही है, और अपन उत्तर नागपुर का जन सागर बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपने अपने ताकत दिखा रहे हैं, और ये मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की आज जयंती है। इसी उपलक्ष्य में आज पूरे भारत देशवासियों को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। जय भीम, नवम उदय, जय भारत। छात्रों को वीडियो के माध्यम से परीक्षा के बारे में आश्वासन देने के बावजूद परीक्षा के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागपुर महानगर ने विश्वविद्यालय से 2 दिनों में ऑफलाइन परीक्षा के टाइम टेबल की घोषणा करने की मांग की है। वर्तमान में नागपुर विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय की निराशाजनक भूमिका से काफ़ी परेशान है। कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो के जरिए छात्रों से संपर्क किया और उन्हें परीक्षा का आश्वासन दिया, और उसके बाद से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अन्य विश्वविद्यालयों ने अपने परीक्षा टाइम टेबल की घोषणा कर दी है, लेकिन नागपुर विश्वविद्यालय अभी भी असमंजस की स्थिति में है। इसलिए अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागपुर महानगर ने मांग की है कि विश्वविद्यालय 2 दिनों के भीतर ऑफलाइन परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा कर अपनी संवेदनशीलता दिखाए, साथ ही परीक्षा के बाद शीघ्र परिणाम की व्यवस्था की जाए, अन्यथा विश्वविद्यालय को छात्रों के कोप का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान ऐसी चेतावनी दी गई थी। नागपुर विद्यापीठाने अजूनपर्यंत वेळापत्रक हे जाहीर केलेलं नाहीये। 6 मे रोजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या काही शिष्टमंडळांनी कुलगुरूंना निवेदन दिले होते। त्या निवेदनामध्ये आश्वस्त कुलगुरूंनी असे केले होते की 11 मेच्या मीटिंगमध्ये आम्ही लवकरात लवकर उन्हाळी परीक्षेचे वेळापत्रक काढू, पण अजूनपर्यंत आजची 17 मे आहे, 10 दिवस लोटले आहे, आणि कुलगुरूंनी अजूनपर्यंत मोड ऑफ एक्झामिनेशन आणि विद्यापीठाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक काढलेले नाही आहे। जर याच्यामध्ये आपण फायनल इयरच्या विद्यार्थ्यांची गोष्ट केली तर ते पुढे प्लेसमेंट्स त्यांना काही विद्यार्थ्यांना झालेले आहे आणि उच्च शिक्षणासाठी त्यांना बाहेर जायचे आहे। आतापर्यंत वेळापत्रक नाही केलेले आहे। वेळापत्रक झाल्यावर मोड ऑफ एक्झामिनेशन नंतर एक्झाम कधी होतील आणि त्याचा रिझल्ट कधी लागतील, कुलगुरू सरांनी त्याच्याबद्दल काहीच आश्वासन असे दिलेले नाही आहे। विद्यार्थी हे खूप मोठ्या संभ्रमातून जात आहे। जर 2 दिवसात वेळापत्रक जाहीर झाले नाही तर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हे एक खूप मोठे आंदोलन करते आणि विद्यापीठाला या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल। लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के तत्वाधान में नागपुर में हो रहे 4th एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दौरा नितिन गडकरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला महाविद्यालय नंदनवन में हो रही खो खो प्रतियोगिता के खिलाड़ियों से रूबरू होकर उन्हें शुभकामनाएं दी और शहर, राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों का अभिवादन भी किया और उनका मार्गदर्शन भी किया। क्रीडा महोत्सव घेऊ शकलो नाही, जेव्हा घ्यायचा प्रयत्न केला त्यात अडचणी आल्या, पण पुन्हा एकदा आपण मैदानावर उत्तम रीतीने खेळता आणि याचा आनंद घेता याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन आणि आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आपल्या नागपुरातून चांगले खेळाडू तयार व्हावे, त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नागपूरचं नाव मोठं करावं आणि खेळामधली रुची जी आहे ती अजून खेळाडूंना वाढून मोठ्या प्रमाणावर मैदानावर आपले तरुण मुलं मुली विद्यार्थी विद्यार्थिनी खेळले पाहिजे, त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या क्रीडा महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे। आणि मला खूप आनंद आहे की 45,000 जास्त खेळाडू याच्यात भाग घेत आहेत। मी पुढच्या वर्षी ठरवलं आहे की याच्यात 1,00,000 खेळाडूंनी भाग घेतला पाहिजे। आणि नागपूरमध्ये अनेक मैदानं तयार केलेली आहेत, जवळपास 300 खेळाची मैदानं तयार केली आहेत, आणि जे जे खेळ खेळतात त्या मंडळालाच ती मैदानं खेळण्याकरता त्याचं रक्षण करण्याकरता सुपूत करण्याचा आमचा विचार आहे। त्याचबरोबर नागपूरमध्ये एक चांगलं खेळाचं स्टेडियम आणि त्या ठिकाणी खेळता येईल अशा सगळ्या व्यवस्था असतील असंही पण बनवण्याचा प्रयत्न आहे। आपल्याला माहिती आहे की आपल्या भारत सरकारची साई नावाची जी संस्था आहे तिला आपण महानगरपालिकेकडनं 90 एकर जागा दिलेली आहे आणि सिम्बॉसिसच्या समोरच आपण मोठं खो खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल याचं प्रशिक्षण आणि विशेषतः खेळण्याचे मोठे मोठे ओपन स्टेडियम
त्या ठिकाणी आपण बांधणार. त्यामागे भावना हीच आहे की आपल्या नागपुरातून, नागपूर जिल्ह्यातून, विदर्भातून या सगळ्या खेळाडूंना संधी मिळावी आणि या संधीतून आपले खेळाडू मोठे व्हावे. त्यांनी उत्तम खेळाच्या याच्यात प्रगती आणि विकास करत असताना नागपूरचं नाव मोठं करावं. खो खोच्या स्पर्धा आपण या मैदानावर घेतोय. आज मलाही पण थोडा वेळ मॅच बघण्याची संधी मिळाली. मी सगळ्या खेळाडूंना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि विशेषतः जास्तीत जास्त प्राइजेस. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है. घाटंजी तालुका में परवा पुलिस थाने के तहत परवा के 33 वर्षीय एनसीपी सामाजिक कार्यकर्ता अनिल देवराव ओचावर की 15 तारीख को एक अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से चाकू मारकर हत्या कर दी. उसका गला काट दिया और दो चाकुओं से पेट में चाकू मार दिया. वह कई भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ रहा था. हमने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को खो दिया है जिन्होंने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से बहुत सारी समाज सेवा की थी. और पूर्व विधायक राजू तोड़साम ने एक साक्षात्कार में मृतक को श्रद्धांजलि दी थी और कहा कि पुलिस द्वारा जांच की जानी चाहिए और उचित न्याय मिलना चाहिए. स्टेशन के थानेदार विनोद चौहान यह जाँच कर रहे हैं. वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महिंद्रे की रिपोर्ट. जलगांव में केंद्र शासन के विरोध में पेट्रोल, डीजल, रासायनिक खाद, बीज, गैस और जीवनावश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से अभिनव आंदोलन किया गया. इस भव्य मोर्चे की शुरुआत जलगांव जिले की राष्ट्रवादी कांग्रेस की खासदार सुप्रिया ताई सुरे इनके उपस्थिति में हुई. महिला पदाधिकारियों ने प्रतीकात्मक अंत यात्रा के समीप रोककर मोदी सरकार का निषेध किया. सर्वा गरीब
माय गरीब लोकेश चुला चेटाणी राहणार ना आणि राखेल भी नाही आणि लाकडी भी मागा हुई घ्या आज सुबह 8 बजे पारशिनी तालुका में कन्हान नदी में एक भयानक घटना हुई। कन्हान में अपने बड़े भाई मोहम्मद अमर रजा शेख के साथ आज सुबह 7 बजे ताजनगर में नागपुर से कन्हान नदी में धर्म ग्रंथों को विसर्जित करने आया था। 26 वर्षीय छोटा भाई मोहम्मद अमीर शेख तालाब में डूब गया। घटना मंगलवार दोपहर के करीब की है। मृतक का बेटा मोहम्मद अमीर शेख है। पुलिस विभाग और बचाव दल के अथक प्रयासों के बाद मोहम्मद अमीर शेख के शव को निकालने का काम जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अमीर शेख मंगलवार सुबह अपने बड़े भाई के साथ कन्हान नदी में तैरने गया था। फिर वह तैरने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन पानी की अनिश्चितता के कारण वह डूब गया। उस समय मौजूद उनके बड़े भाई मोहम्मद अमर रजा शेख ने उन्हें बचाने की कोशिश की। वह गांव में मदद मांगने गया। ग्रामीणों को सब कुछ बताकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच ग्रामीणों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। बचाव दल को मौके पर बुलाया गया। बचाव दल के अथक प्रयासों के बाद मंगलवार 17 मई को दोपहर 2 बजे मोहम्मद आमिर शेख का शव मिला। स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कामठी उपजिला ग्रामीण अस्पताल भेज दिया है। ताजनगर के टेका इलाके में मोहम्मद आमिर शेख की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से मातम छाया है। वहाँ पे कैसे क्या आए थे? हम लोग दोनों भाई किताब डालने के लिए आए थे। किताब काहे की? किताब उर्दू की किताब, दोनों भाई किताब डालने के लिए आए थे उर्दू की। क्यों डाले, कारण? वो दीमक लग गई थी उसमें। हाँ, दीमक लग गई थी तो बड़ा भाई छोटा भाई बोले, बड़ा भाई बोले डाल के आ जाओ नदी में। हाँ हाँ, तो हमने डाल दिए। डाल दिए तो मैं बोला ये पुलिया की तरफ डालते जिधर, हाँ ये यहाँ पे, हाँ जिधर पिल्लर है, तो उधर बोले इधर नहीं जाएंगे, उधर डालते बोले, उधर गड्ढा ज्यादा है बोले, बहुत तो बहाव में वो बह जाएंगी बोले। अच्छा, तो मैंने उधर चले गया, तो मैं किनारे पे था डाल करके, मैंने उसको किनारे पे डालने के बाद में बहा दिया। उसको बहाने के बाद में ये बंदे ने भी वैसे ही किया। वैसा करने के बाद में ये नहाने लगा, जैसा अपन तीरने के लिए नहाने करते नहीं क्या, हाँ। तो सीखने के लिए वैसा करने लगा। तो ये क्या बोले, अपन रोज आएंगे बोले, रोज आकर के अपन यहाँ पे तीरेंगे बोले। तो मोहम्मद अमीर शेख को तैरना आता था क्या? नहीं आता था। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा अच्छा, उसको तैरना नहीं आता था। तो उसने बस यही बोला कि अपन बोले रोज आके तैरेंगे, रोज आके तैरेंगे। आज कितने बजे घटना है? 7 बजे सुबह 7 बजे की बात है। और आप कितने बजे आए थे यहाँ? वहाँ पे हम लोग 7:45 बजे तकरीबन निकले होंगे, 10-15 मिनट में पहुँच गए। अच्छा अच्छा। वीकेबी न्यूज के लिए कमल यादव की रिपोर्ट। नागपुर में 16 मई को वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने करुणामय तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय संविधान के मूर्तिकार एवं मूर्तिकार विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी दिन उन्हें महाबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, इसलिए यह बुद्ध पर्व रिश्तों की दुनिया के लिए है। दीक्षा भूमि धम्म अनुयायियों से गुलजार थी। दीक्षा भूमि पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग गई थी। बुद्ध पूर्णिमा नागपुर के सभी बौद्ध विहारों में पंचशील झंडा फहराकर बुद्ध वंदना आयोजित करके, रैलियां आयोजित करके और समूह प्रवचन आयोजित करके मनाई गई। सुबह से देर रात तक पवित्र दीक्षा स्थल पर भक्तों ने शुद्ध सत्य का अभ्यास करने और बुद्धम शरणम गच्छामि की विजय और पंचशील के जाप में सत्य बोलने का संकल्प लिया। शहर में विभिन्न स्थानों और विहारों में धम्म प्रसाद के रूप में खीर का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आर विमला, डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, डॉक्टर सुधीर फुलजेले, शिवदास वासे आदि उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ लीना कटरे की रिपोर्ट। बीड के मजलगांव में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई है। इस घटना में प्रसव के दौरान मां समेत बच्चे की मौत हो गई। घटना मजलगांव के जाजू अस्पताल में हुई और शव को पोस्टमार्टम के बाद नाराज परिजनों द्वारा थाने ले जाया गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आज सुबह महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक की पहचान सोनाली गायकवाड़ के रूप में हुई है, लेकिन डॉक्टरों के समय पर ध्यान न देने से मां सहित नवजात शिशु की अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौत हो गई। परिजनों की मांग पर मजलगांव थाने में धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है।
मग डिलिव्हरीसाठी आणलं म्हणले ॲडमिट केलं म्हणते मी पुन्हा मग 6-8 वाजता तपासा आल्या तर म्हणल्या मुलगी काय नॉर्मल होत नाही म्हणले डिलिव्हरी शिजरच करावं लागल तुमची गाडी जवळ राहू द्या म्हणले मग मी नंतर सांगते म्हणले पुन्हा नंतर 9 वाजता आले आणखी तपासायला तर पुन्हा म्हणल्या नॉर्मल होती म्हणल्या काही गरज नाही आणि मग पुन्हा 12 वाजता लईच बेजारी व्हायली तर म्हणलं मॅडम नाही म्हणलं लेकराच्या हालच बघू वाटणार म्हणलं आम्ही बीडला घेऊन जातो तर पुन्हा नंतर म्हणतात काही इडी झालीस का काय म्हणल्या शिजर तू हाताने करून घेतीस का म्हणल्या मी करते नॉर्मल म्हणल्या पण असे हाल रातभर ना मुलीचे भलतेच हाल असे तिचे हालच बघू वाटणार झाले 9 महिने तिथंच ती चालू होती डॉक्टर म्हणजे 4:30 वाजता तिला म्हणले बाथरूमला नाही जा डॉक्टर काय म्हणले तुम्हाला म्हणले डॉक्टर पुन्हा नंतर कातुरी ते मुलीला तसं झालं का मी आलडले त्यांचे पेशंट गेलो म्हणून मला मारायची उरली ते डॉक्टर साहेब म्हणले आमचं पेशंट घातलंच बाई म्हणजे तू आलडलीस तुझी मुलगी कशी करायची डॉक्टरवर काय आरोप म्हणजे त्यांनीच हाताने हे केलं माझ्या लेकराचं त्यांनी त्यांच्या चुकीमुळं झालं ना माझ्या लेकराचं त्यांनी थोडं शेजार बी करावं त्यांनी नाही केलं दुसरीकडे नाही नेऊन दिलं 5 वाजता आले नंतर त्यांनी मला कॅबिनमध्ये बोलून घेतलं तर मी म्हणलं तुम्हाला शिवरिंग करायची असते शिवरिंग करा तुमच्याने जेवढे प्रयत्न होतील तेवढे करा म्हणलं तेवढं मी त्यांना तुला म्हणले ना बेबी चांगला हो दोन्ही पण चांगले म्हणले होते 9 महिने रिपोर्ट कसे कसे सांगा रिपोर्ट आहे ना हां रिपोर्ट आहे सगळं आहे ही फाईल दाखवायची दाखवायची पहिल्या महिन्यात मला न्याय भेटला पाहिजे मला एक मला न्याय भेटला पाहिजे बॉडी मी शासनाच्या ताब्यात देणारे मला न्याय नाही भेटला हे रक्त वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज नमस्कार।